इतिहास के पन्नों में आज का दिन यानी कि 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1639 को दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का निधन 29 अप्रैल 1236 को हुआ था। 29 अप्रैल 1993 में पहली बार बकिंगम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था और उसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। आज के ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। 29 अप्रैल 1547 को भामाशाह का जन्म हुआ था। भामाशाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। तो ये थी इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी।